दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। सुबह के बजे गाइस 12, तो अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस कुछ इंटरेस्टिंग चीज, वो कभी मैंने भी ट्राई नहीं किया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं भी। जैसे देखो क्या बनता है, कैसे बनता है, ये मुझे भी कुछ नहीं पता, तो मैंने बोला जो सोचती हूँ कि चलो आपसे भी शेयर करूँ, अच्छा बनेगा तो आप भी बनाना। यार वैसे तो अच्छा ही बनेगा, उम्मीद तो मुझे है कि अच्छा ही बनेगा गाइस। जैसे कि मैं बनाने जा रही हूँ जेली फ्रूट केक, और बहुत मजेदार होगा यार, और मैं भी फर्स्ट पहली बारी मतलब ट्राई कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसा बनता है। तो आप देखना वीडियो को, एंजॉय करना, पूरा वीडियो देखना गाइस, और हाफ देखोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ आएगा। तो चलिए किचन पर चलते हैं, शुरू करते हैं अपना जेली केक बनाने, फ्रूट जेली केक बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, गाइस जैसे कि हम किचन पर आ गए हुए, अब मैं आपको दिखाऊंगी किस चीज से फ्रूट, कौन से मैं फ्रूट डालूंगी, आपको मैं दिखाती हूँ, और मजा आएगा आज का वीडियो, इतना मजेदार बनेगा ना, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए मैं आपको फ्रूट दिखाती हूँ गाइस। गाइस जैसे कि ये फ्रूट है, एक हमने एप्पल लिया और ग्रेप्स लिया, देखिए ये हमारा ग्रेप्स है, ये है हमारा कीवी, दो हमने कीवी लिया, दो हमने ऑरेंज लिया, तो ये देखिए हमारा फ्रूट, और हमने अनार भी लिया गाइस। ओ कुणाल अनार को छील रहा है, फिर मैं इसको सारा काटूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अनार भी और ये सारे फ्रूट भी, फिर हम बनाएंगे। ये देखिए गाइस, वाओ बहुत मजेदार वीडियो बनेगा यार आज का तो बहुत ही। ये देखिए गाइस, हमने कीवी ऐसे काट लिया, एप्पल को भी ऐसे काट लिया, और ऑरेंज को भी ऐसे काट लिया, ग्रेप्स को हमने काटा नहीं है। ये देखिए अनार को ऐसे छील लिया है हमने, ये देखिए हमारा फ्रूट रेडी है, ये देखिए लाजवाब फ्रूट। अब इसका हम बनाने का तैयारी करते हैं फटाफट जेली फ्रूट केक। गाइस जैसे कि मैंने गैस पर अब पतीला रख दिया है, तो ये देखिए, और ये मेरा पानी है, ये मैंने 3 गिलास पानी इसमें डालना है, आपने जितना आपने बनाना है उसके अकॉर्डिंग पानी डालना, मैं सिर्फ 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो चलिए मैं 3 गिलास पानी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस जैसे कि मैंने पानी डाल लिया 3 गिलास, इसको अब मैं गर्म होने दे रही हूँ, तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या डालूंगी और जेली जेली, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस जैसे कि ये मैंने जेली पाउडर लिया हुआ है, ये देखिए, तो ये आपको नहीं मिलता है तो आप अगर अगर भी ले सकते हो, हमें अगर अगर नहीं मिला इस करके हमने जेली पाउडर लिया है। तो चलिए मैं इसको खोल, ये गाइस जेली जेली प्रीमिक्स है, ये जेली को जैसे जेली जमा देगा, मतलब हमारा जो केक होगा ना इससे जम जाएगा। एक और है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो ये हम डालेंगे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रेड कलर का हो जाएगा, हमने ये नहीं डालना है, जस्ट हमने दूसरा वाला आपको पाउच दिखाया था, ये वाला ये डालेंगे हम, क्योंकि इससे हमारा कलर आएगा, आप डाल भी सकते हो, आपको कलर चाहिए। ये कलर गाइस देखो रेड है, ये देखो दिख रहा होगा, ये देखिए ये रेड कलर है। तो चलिए आपको अब हम गाइस जैसे कि हम डाल रहे हैं, पानी हमारा गर्म हो गया, हमने सारा डालना है, एक जो पाउच है पूरा हमने पूरा डालना है, तो ये देखिए ये हमने डाल दिया है, ये जब तक हम डालेंगे गाइस जब तक ये गर्म नहीं होगा और ये पिघल नहीं जाएगा, जैसे जेली में थोड़ी सी नहीं आएगा। गाइस इसको हम घुलने देते हैं थोड़ी देर, तो ये सही तरह घुल जाए और हमारे जेली में इसका थोड़ी सी हो जाए, थिक सा हो जाए। और गाइस एक कटोरी हमने चीनी लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज्यादा मीठा चाहते हो तो आप ज्यादा डाल सकते हो, हमें इतना ही मीठा पसंद है इस करके हम इतना डाल रहे गाइस। तो इसको भी हम सारा पिघलने देते चीनी, मेल्ट होने देते, तो चलिए मेल्ट होने देते। ये देखिए गाइस, और पहले जब हमने डाला था तो कितना सफेद सा व्हाइट कलर का दिख रहा था, अब जैसे पानी मैंने पहले डाला है वैसे ही दिख रहा है, ये देखिए। तो ये अब कंप्लीट हो गया, हमने 2 मिनट बस हमने गर्म मतलब तेज गैस में हमने इसको मतलब उबाला और इसको मेल्ट होने दिया, ये देखिए। तो चलिए गाइस अब हम इसको थोड़ी सी ठंडा होने देंगे, तो बिल्कुल कोसा सा हो जाएगा, फिर हम इसको केक बनाएंगे जेली केक। गाइस जैसे कि हमारा जो पानी था वो ठंडा हो गया है, तो अब हम बॉल में डालते हैं, फिर हम कैसे डेकोरेशन करते केक का तो आपको दिखाते। ज्यादा मतलब ठंडा बिल्कुल नहीं करना, नॉर कोसा होना चाहिए, क्योंकि वो जम जाएगा ना फिर जल्दी, फिर तो इस करके हम थोड़ी गर्म होगा। तो चलिए फिर आपने भी ऐसे ही करना है, तो हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं गाइस। ये हमने केक मोल्ड लिया है, आप ये आपके पास नहीं हो तो कोई भी ऐसे बर्तन ले लेना जिसमें आपका केक हो जाए। तो हम थोड़ा पहले ये पाएंगे चाशनी जो भी बना हुआ है, थोड़ा सा डालेंगे
2 चम्मच बड़े बड़े करछी हमने डाली, 3 डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने 4 डाल ली है, 4 हमने ये करछी डाल लिया हुआ है। तो अब हम इसको ये कीवी लेंगे, डेकोरेशन करेंगे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके डेकोरेशन। गाइस जैसे आपको डेकोरेशन करना आप वैसे कर सकते हो, हमने ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है। और जो भी आपको फ्रूट पसंद है कुछ भी डाल सकते हो, हमने ये हमें पसंद है तो हम ये डाल रहे गाइस। तो ये देखिए कितना इमेजिंग लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए गाइस। अब हम ऑरेंज डेकोरेशन कर रहे हैं। तो गाइस जैसे कि हमने ये कर लिया डेकोरेशन, हम एप्पल डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। जहां जहां आपको स्पेस दिख रहा है वहां वहां आप एप्पल डाल लेना। ये देखिए गाइस हमने ऐसे डेकोरेशन कर रहे हैं, ये अनार डाल रहे हैं, ये देखिए ये कितना अच्छा कलर लग रहा है, ऑसम कलर लग रहा है। तो ये देखिए गाइस जैसे कि हम थोड़ी सी और जेली डालेंगे इसमें, ये देखिए आपने भी ऐसे ही करना है, जस्ट फेस के ऊपर फिर डेकोरेशन करना जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए गाइस हमने काफी बढ़िया डेकोरेशन कर लिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा थोड़ी रहता है, ये अब हम डाल देंगे इसके ऊपर होली होली। ये देखिए आपने भी ऐसे करना, जैसे मर्जी आप करना, आपकी पसंद है। ये बच्चे भी बना सकते, बड़े भी बना सकते, कोई भी बना सकता गाइस। तो चलिए मैं डाल लेती फिर आपको पूरा दिखाऊंगी। गाइस जैसे कि ये देखिए हमारा हो गया, हमने सारा डाल दिया और कितना अच्छा लग रहा है और कितना हेल्दी भी है। और ये सारे फ्रूट इतने हेल्दी है गाइस, और आप प्लीज घर पर ट्राई करना। अब हम 1 घंटा ये फ्रिज में रख देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जमना भी चाहिए ना, फिर ये अच्छा सा केक आपको दिखेगा, अच्छा सा आपको केक दिखेगा और कितना बढ़िया हमारा हुआ है। कि तो प्लेट से ढक लेना, कि तो फॉल पेपर से ढक लेना। मैं गाइस जैसे कि प्लेट से ढक रही हूँ, तो आप जिससे मर्जी ढक लेना। तो चलिए इसको हम 1 घंटे फ्रीजर में रख देंगे। जैसे कि गाइस हमारा फ्रूट जेली केक रेडी हो गया होगा, देखते हम चेक करते। और गाइस हमारा 4 घंटे लगे, मैंने पहले देखने गई थी वो जमा नहीं था, फिर मैंने बिल्कुल फ्रीजर में मैंने रखा, फिर मेरा केक जमा होगा। तो अब हम चेक करते हैं और बड़ा मजेदार होगा। और प्लीज आप भी 5-6 घंटे जरूर फ्रीजर में रखना, और उसका फिर सही से मतलब बने। मैंने पहले सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में नहीं हुआ, फिर मैंने 4 घंटे रखे फ्रीजर में। अब मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ कैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए किचन पर चलते हैं, और बना तो अच्छा होगा यार, क्योंकि सभी हेल्दी फ्रूट थे। और बस नहीं भी सही होगा फिर भी अच्छा लगेगा खाने में, वैसे तो सही होगा। तो चलिए चलते हैं फ्रिज खोल के देखते हैं। ये देखिए गाइस मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, लग तो रहा है हो गया है, थोड़ी सी कमी लग रहा है कि पता नहीं, खोल निकाल के देखते हैं गाइस कि क्या हुआ क्या नहीं। देखते हैं, ये हिल तो रहा है जैसे कि पता नहीं, अब देखते हैं निकाल के। तो चलिए ट्राई कर गाइस, जैसे कि अभी ढीला है, अभी नहीं हुआ। अब हम 1 घंटा और फ्रिज में रख देंगे, पूरे हो जाएंगे हमारे 5 घंटे गाइस। और देखने में तो लाजवाब है यार। गाइस जैसे कि हमने दोबारा फिर फ्रिज से निकाला है, अब हम देखते हैं क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए अब ऐसे करके ना, जस्ट ऐसे करके थोड़ी सी हल्का सा निकालेंगे, लगता खराब हो गया मुझे लगता है पोपट ना हो गया गाइस। वाओ हो गया था गाइस, ये देखिए पोपट नहीं हुआ है, थोड़ी देर हो रखना चाहिए था। ये देखिए लुक वाइज, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारा केक कितना अच्छा बना है गाइस, और हम 2 घंटे हो रख देते थे ना, बहुत लाजवाब बना था। ये देखिए लुक वाओ, केक का तो कलर और इतना अच्छा लग रहा है। कुणाल तुम्हें कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है गाइस, यार टेस्टी टेस्टी। मैंने बनाया है ऐसा केक, मजा आ गया मुझे तो। ये देखिए एक एक पीस जैसे हमने रखा था गाइस, वाया ऐसा ही है, ये देखो इमेजिंग इमेजिंग वाओ। तो चलिए इसको हम खाते हैं गाइस, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है। टेस्ट तो अच्छा ही है क्योंकि सारे तो फ्रूट है, तो फ्रूट तो कोई भी खराब नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं। ये देखिए जैसे गाइस मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इतने घंटे लग गए ना हमें केक का वेट करते करते, 5 घंटे लग गए। तो इसको अब मैं काटती हूँ गाइस, प्यार से काटना पड़ेगा ये देखो, क्योंकि अभी बहुत सॉफ्ट है। अभी 1 घंटा हम 5-6 घंटे और रखते थे ना गाइस, बहुत अच्छा होना था। तो मुझे लगता है ऐसे निकालना पड़ेगा मुझे, स्पून डाल के। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए गाइस, ऐसे निकालना पड़ेगा, यही ऐसे जेली केक बन गया।
क्योंकि अभी हमने बहुत जल्दीबाजी कर ली ना, बहुत जल्दबाजी। तो अब खा के देखते हैं। ये देखो जेली तो वह हो गया। अच्छा सीरियसली देखो जेली कितना अच्छा जम गया है। ये देखिए थोड़ी सी हमने जल्दीबाजी कर ली, 5 घंटे हमने रखा, हम 7 घंटे 6 घंटे रख लेते ना और बहुत अच्छा ये जम जाता और ये केक इतना अच्छा बनता ना, बहुत ही बढ़िया। अभी भी हम ऐसे जस्ट 2 घंटे और रख देंगे ना कुनाल जी गाइस, ऐसे रख देंगे और बहुत अच्छा बनाए गाइस। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, कमेंट जरूर करना कि मैंने जेली केक कैसे बनाया। और बहुत ही अच्छा बना है, ऐसा नहीं कि बकवास बना है क्या है कुछ नहीं, क्योंकि यार सब तो फ्रूट का बना हुआ है तो ये अच्छा ही है ना। तो देखिए कितना यमी लग रहा है। और बच्चे जैसे कि फ्रूट पसंद नहीं करते, ऐसे आप जेली केक बना के रखो तो बच्चे को दो, बच्चे कितने खुश होके खाएंगे ना, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बाय गाइस।